हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आईबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार दरोगा के लिए ब्रेक फॉर्म यानी कि रुकमणी का वॉल्यूम फर्स्ट का शेट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लगाने वाले हो, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी लोग नए हो, 30 प्रैक्टिस सेट इस वाले प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। पूर्णतः SCERT और NCERT के पाठ्यक्रम पर तैयार किया गया यह वाला बुक है। जो भी लोग बुक को परचेज करना चाहते हैं, प्राइस आप यहां पर देख ही रहे हो, आसपास के बुक शॉप पर आपको यह बुक मिल ही जाएगा। बिहार दरोगा की आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर इस तरह का और भी क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है आपके लिए। अगर आपको खान सर है, ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर है, इसके अलावा भी स्पेशल नोट्स वगैरह देखना हो, इन सब का भी नोट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आकर के चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 टेंथ प्लस टू चलता था, उस शिक्षा मॉडल के स्थान पर अब नया वाला जो शिक्षा मॉडल आया है उसका नाम बताइए। राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा, 5+3=4 सही जवाब, यानी कि 5+3+3+4 के नए पैटर्न पर यह स्टार्ट हो चुका है। नंबर सेकेंड है, अंतर राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब? ए राइट आंसर 22 मई को आपको ध्यान रखना है। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को चार अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी, रक्त सीरम नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पल्मोनरी धमनी से लिया गया रक्त, पल्मोनरी शिरा का जो रक्त होगा और रक्त प्लाज्मा, ये तीनों क्या होगा? स्कंदित होता है, ध्यान रखिएगा, रक्त सीरम नहीं होता है, याद कर लेंगे। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जनवरी के महीने में आपको ध्यान रखना है। अगर डेट पूछेगा तो थर्ड जैन जन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर फाइव है, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 का है, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:24 का था, बताइए कि मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकेल का अनुपात क्या था। अगर ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को रोक लिया करेंगे। 63:48 और 14 के अनुपात में पहले से था, यह आपको ध्यान रख लेना है। नंबर सिक्स है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी, कीटोन की मात्रा असामान्य होगी, नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शेलवाश नहीं है, बाद बाकी ध्यान रखेंगे, स्टेपी, वेल्ड और डाउन्स जो है ना शीतोष्ण कटिबंधीय घास का ये सभी मैदान है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेंगोला धारा सही जवाब है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है ना, बेंगोला धारा आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, नंबर नाइन का स्वेज हो जाएगा डी राइट आंसर, स्वेज नहर जो है ना 1869 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, और ये ना संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, ध्यान रखेंगे। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी है लगभग, लगभग ऑप्शन नंबर बी बताएंगे आप, 2.40% है लगभग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण कर देती है, ये राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी के लिए आप याद रखिएगा। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजो कर रखती है, मतलब समझ गए, जल धारण क्षमता किसमें ज़्यादा है यह पूछा है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बताना होगा, चिकनी यानी कि क्ले वाली मिट्टी में होती है। नंबर 13 है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है, बताइए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर यौगिक, स्टॉक फार्मिंग है, ऑप्शन नंबर बी, पशुओं का प्रजनन होता है, ध्यान रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है किस डेट को,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 5 जून को हर वर्ष मनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बताना होगा ए राइट आंसर, 1 से 2% सही जवाब है। बताइए कि निम्न में से कौन सा, कह रहे कि सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है। यहाँ पे देखिए पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन और एक्रेलिक, ये सभी होते हैं, ध्यान रखेंगे, जो कि सिंथेटिक फाइबर हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से सही नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर देखिए, अदरक के लिए प्रकंद सही है, प्याज के लिए मांसल पर्ण, नारियल के लिए भ्रूणपोष सही है, आलू का जो मूल कह रहा है यह गलत हो जाएगा, आलू के लिए आपको यहाँ पर कंद याद रखना होगा। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वसा से। बताएं कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करके कौन सा सही है? यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो यह लौह युक्त यौगिक है, ठीक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान, गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वाला आंसर अपना सही है, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैरेक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होगा, अश्वशक्ति के लिए शक्ति की इकाई होगा, समुद्री मील के लिए बताना होगा, नौ संचालन में दूरी की इकाई, और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, गलत हो जाएगा। सेल्सियस तापमान की ना CGS इकाई है, आपको ये ध्यान रख लेना है। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी बल के लिए ऑप्शन नंबर आप बी टिक करेंगे, घर्षण बल राइट आंसर है। कीटों, कह रहे कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? कंडक्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? यहाँ पे ओजोन, क्लोरोमीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 24 का डी टिक करेंगे। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पेट्रोल की। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, सही जवाब है। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आयन भूमंडलीय तरंगों का किया जाता है। बताइए कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड्स व सल्फेट्स सही जवाब हो जाएगा। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का जो इस्तेमाल है वो क्या चीज़ का करता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड उसमें रहता है, ध्यान रख लीजिएगा, ए राइट आंसर है। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी एसीटिलीन होता है। हाइड्रोक्सी समूह वाला आर्गेनिक अम्ल कौन सा है? ए राइट आंसर हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल होता है। दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है, यानी कि होमोनिजाइज जो किया जाता है वो कैसे करते हैं? तो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, सही जवाब है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जेड स्क्वायर के होता है। 34 यहाँ पे आपको मैच करना है। हड़प्पा जो है ना, याद रखिएगा कि रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर है। लोथल जो है वो आपका हो जाएगा भोगवा के तट पर, और रोपर है सतलज नदी के तट पर, ठीक है। आंसर यहाँ पे आप मैच कर लीजिएगा, शायद आपका ऑप्शन ए ही सही दिख रहा है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं जो सही हैं? सबसे फर्स्ट, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त, सही है।
उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, बिल्कुल ठीक। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, बिल्कुल सही। नंबर यहाँ पे आपको डी टिक करना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। बताएं कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, सवाल को समझ लीजिए। अद्वैत दर्शन के संस्थापक पूछा ना, तो शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य, ए सही जवाब है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बताइए कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है। पानीपत 1526, खानवा 1527, घाघरा 1529 सही है, चंदेरी 1530 दिया हुआ ना, बस यही गलत है। चंदेरी हुआ था 1528 में, सही जवाब है, ठीक है। अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में है फोर्ट विलियम। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले साहब किए थे। निम्नलिखित में से कौन पत्रकार, कह रहे कौन क्रांतिकारी पत्र था जो वंदे मातरम के संपादक थे? मैडम भिखाजी कामा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए दूसरा वाला विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? कैबिनेट मिशन आया था 1946 के में, आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशागुणत शासन नहीं होगा। बताएं मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? औपचारिक और विधिक हो जाएगा, संवैधानिक और नाममात्र हो जाएगा, दूसरा और चौथा सही है। 48 का ऑप्शन नंबर आप यहां पर डी सही जवाब टिक कर देंगे। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? किसके बारे में कहा, समझिएगा पहले। विधान परिषद कहा है, साधारण विधेयक को कहा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 4 माह तक। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता थे। सही उत्तर को चुनिए। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, ठीक। 36 में नीति निर्देशक तत्व तो आप जानते हैं। 74 की बात करें तो मंत्रिपरिषद। 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, सही जवाब हो जाएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, समाजवादी व्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। पिछले देशों के लिए रूलिंग प्लान का सुझाव किसने, किसके द्वारा कह रहे हैं कि दिया गया था? नंबर ए को टिक करेंगे, किसके द्वारा दिया गया था? जी मेडल के द्वारा दिया गया था रोलिंग प्लान। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत जो कि तेंदुलकर समिति के तहत आया था, बता दीजिए कि कितना है? 21.9% है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्नलिखित पर विचार करिए और भारत में बताइए कि व्यापक धन यानी कि M3 में शामिल क्या क्या है, बताना है। जनता के पास मुद्रा, बैंक के पास जमा जो मांग जमा होता है, और बैंकों के पास समय जमा, टाइम डिमांड, और जनता के पास मुद्रा, ये सभी होता है, डी हो जाएगा सही जवाब। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में, अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त के रूप में परिवर्तित कर देने की अनुमति होता है, रुपए में परिवर्तनता का मतलब, परिवर्तन का मतलब आप देखकर नहीं समझ गए होंगे। ब्रेक इवन बिंदु क्या है, सवाल को समझिए, कह रहा है ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो ब्रेक इवन बिंदु ऑप्शन नंबर सी को कहते हैं, जब किसी फर्म को न लाभ और न हानि हो। निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में
खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है इन सब में से? देखिए रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में होता है 15-15, ठीक है। बास्केटबॉल, ये जो बेसबॉल है आपका और जो खो खो दिया हुआ है, खो खो है ना, खो खो में आपको ध्यान रख लेना है कि 9 होता है। क्रिकेट, ये आपका कबड्डी पूछेगा, कबड्डी में आपको 7 याद रख लेना होता है। वाटर पोलो में भी आप 7 याद रखिएगा, पोलो में 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना सी हो जाएगा सही जवाब। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म NPA का पूरा नाम, यानी कि फुल फॉर्म बताना है NPA का, तो यहाँ पे आपको नंबर सी बताना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CV रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, बस ये बता दीजिए आप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी थी? गुजराती, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो टॉयलर जो है ना, ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, डी आपका यहाँ पर सही है। मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? ऑप्शन नंबर डी, दीवान ए लाल किले का दीवान ए आम में रखा गया था, ध्यान रखिएगा। नंबर 66, 20 रुपए के नोट निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? माउंट हैरियट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर आपको डी रोहतास बता देना है, ठीक है। यहाँ से BPSC जो भी टीचर वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी यहाँ से सवाल आया था, महिला से जुड़ा हुआ, महिला शिक्षा बिहार में कितना परसेंट है, आप इसे ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50%। निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? 1861 में, ए ये डी राइट आंसर होगा यहाँ। निम्न में से किन देशों के बीच नॉन किंग की संधि हुई थी? चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था नॉन किंग की संधि 1842 में। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त किरण ए सही जवाब है। तेल का एक बैरल कितना के बराबर होता है? 159 लीटर के, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। CV रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ए राइट आंसर, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण नहीं है? DDT है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लास्टिक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण यह नहीं है। निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु कह रहा है कि जैव चिप का विकास किया गया था? मत्स्य उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत रत्न इन सब में से सबसे ऊपर है। दिए गए विकल्प में से कौन सा युग्म कह रहा है कि सत्य है? सलमान रुश्दी के द्वारा फ्यूरी, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मैकावर एवं पेज ने। जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी के इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहेंगे आप? उसे ऑप्शन नंबर बी संघर्ष कहेंगे। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होता है, शिक्षा होता है, आयु संभाविता होता है, लेकिन शहरीकरण का स्तर मानव विकास सूचकांक के रूप में नहीं होता है। कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बैडमिंटन से। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहां पर
किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गुजरात में। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ब्रिटेन को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ए राइट आंसर, राजेंद्र सिंह घट्ट को किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य है? इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, हाँ। इसकी थीम लैंगिक समानता के शक्ति को उजागर करना, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है, सी को टिक करिएगा। 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश में की गई है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, भारत में। जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? मेजबानी पूछा है, विशाखापत्तनम के द्वारा। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? जर्मनी, बर्लिन, ये राइट आंसर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? ये हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर सी, मेटा, फेसबुक का नया नाम मेटा है, उसी के साथ। भारत पाकिस्तान के बीच किशन गंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक के द्वारा किसे अध्यक्ष कह रहा है कि बनाया गया है, बता दीजिए। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सीन मर्फी को। लूनी 25 नामक चंद्रयान किस देश से लॉन्च किया गया है? बी राइट आंसर, कहाँ से? रूस से। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सिप्री के द्वारा दिया गया 2023 का जो वैश्विक सैन्य व्यवस्था में कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। बताएं कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन नंबर सी टोक्यो, जापान में। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त? ऑप्शन नंबर सी जेट विंग्स एयरवेज। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2023-24 के सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के समर्थन में मूंग की कीमत कितना घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 8,558 रुपये। DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर, सिंगापुर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का सर्वाधिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में चयनित हुआ है कौन? ए राइट आंसर आपको टिक करना होगा, केरल। हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? ए हो जाएगा सही जवाब, सुबोध कुमार सिंह को बनाया गया है। आइए अब चलते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस शीट नंबर सेकेंड की ओर। बताएं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर आपको बी के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 21 जून को। पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, शी राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, क्या नाम था? 4 का ऑप्शन नंबर सी केसरी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नंबर 6 है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ए राइट आंसर हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज का पहला सेनापति मोहन सिंह, आपको याद रखना है।
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर है। कर्म का सिद्धांत है तो ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना होगा, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से है, सही जवाब है। ऋतुएं क्यों होती हैं? नंबर 30 का ऑप्शन नंबर हो, नंबर 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी यूके में। किन तत्वों में से, निम्न तत्वों में से कौन से भूपर्पटी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? दोनों डेटा आपको याद रखना होगा, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा और मैग्नीशियम। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है ना, यही सवाल यही सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन 46% होता है, आप जानते ही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। बहुउद्देशीय परियोजना और नदियां बताइए। देखिए इडुक्की जो है ना, इसके लिए आपको पेरियार टिक करना होगा। माता टीला के लिए बेतवा, नागार्जुन सागर के लिए कृष्णा और पोचाम्पाद के लिए गोदावरी सही है। स्थानांतरशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करिए। कैरेक इसमें भूमि की जुताई नहीं होती है, बिल्कुल ठीक। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, बिल्कुल सही। इसमें फसल चक्र नहीं, इसमें नहीं, पहला दूसरा सही है। नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर बी डिगबोई में, असम के डिगबोई में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था? कार्बेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगा? महाराष्ट्र में भी है सबसे ज़्यादा, फिर आपका मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ऑप्शन डी टिक करिएगा। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? चलिए बताइए कमेंट करके, 21 नंबर आपके लिए छोड़ा जा रहा है। एक सवाल का जवाब कम से कम बता ही दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे बताइए अब कि किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम यानी कि संसद के रूप में जो आविर्भाव हुआ था वह डेट कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? ये राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति का काम होता है। भारत संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? पूजा की समानता नहीं करता है, डी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथन का परीक्षण करिए और नीचे दिए गए कोड का हेल्प लेकर सही उत्तर को चुनिए। संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, ठीक। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है, क्या गलत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कह रहे क्या 42वें संशोधन द्वारा धर्म निरपेक्ष समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया, ठीक। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा बुलाया जा सकता है। देखिए बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तभी राष्ट्रपति शासन लगेगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय
जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची, सभी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है। आप यहाँ पे ए को टिक करेंगे। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में, प्रावधान ने कह रहा है निम्नलिखित में से किससे, किसके क्षेत्र को कह रहा है सीमित किया है। ये राइट आंसर अल्पावधि चर्चा को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथन पर विचार करके बताइए। ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को आप रोक सकते हैं। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल यानी कि प्रशासक होते हैं, ठीक है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष 7 केंद्रीय मंत्री है, गलत है। पहला कथन यहाँ पे सही दिख रहा है, 31 का नहीं, क्या कहा 31 में, दूसरा में कहा नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं ना। नीति आयोग में अधिकतम 4 पदेन केंद्रीय मंत्री होता है, तो बिल्कुल ठीक ही है ना। तो 7 यहाँ दिया हुआ है ना, 4 ही होता है, यह ध्यान रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है किसका? निजीकरण नीति का, वैश्वीकरण नीति का, उदारीकरण नीति का, सभी का होगा, उपरोक्त सभी नीतियों पर। 33 का आपको डी टिक करना है। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है, भुगतान से इसके चालू लेखा के संबंध में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। चलिए 35 का बताइए क्या होगा। देखिए विद्युत चुंबकत्व जो है ना, ये फैराडे के द्वारा, अनुवांशिकता के सिद्धांत पूछेगा मेंडल के द्वारा, जड़त्व नियम पूछे न्यूटन ने, प्राकृतिक वर्णवाद पूछेगा तो डार्विन ने दिया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाती है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? ऑप्शन नंबर ए बी और सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, बाहरी जो एरिया होता है ना कैप्सूल का, वो किस चीज़ का बना होता है? स्टार्च। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। वैद्युत अवघटन में ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होता है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, आराम से यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा बी को। एनोड पर एथिलीन अणु में अणु की क्या रहेगी, की आकृति होती है, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समतल त्रिकोणीय। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए बैंकानोर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदल देता है? ऑप्शन नंबर डी संकलर, जिसे आप कंपाइलर भी कहते हो। यहाँ पर इसको देखिए, इस यौगिक का प्राथमिक अणु लग्न क्या है? दो इन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। रडार का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर आपको डी शीशा टिक करना है। वह रेडियो समस्थानिक जिसमें परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में किया जाता है, तो
डी हो जाएगा राइट आंसर, सोडियम 24। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं बता दीजिए। आराम से ध्यान दीजिए, नंबर ए पर ही, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, बस सही है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, कुकुर, खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया में लगाया जाता है, सही जवाब है। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण, सही जवाब, ठीक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 49, खानों में विस्फोटकों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, मीथेन का हवा से मिल जाना। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? ए राइट आंसर, विकिरण के द्वारा। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेत्र श्लेष्मा यानी कि कंज कटाइवा उसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वेत रुधिर कोशिका। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक, जिसका कि नाम है मेलनिन, इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए। यह पर्यावरणीय प्रकाश के लिए एक अपारदर्शक होता है, यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य है, ऑप्शन नंबर 53 का बी को आपको टिक करना है बस। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान जो होता है वह क्या रहता है? वह रहता है वायुमंडलीय अपवर्तन, यहाँ पे डी राइट आंसर है। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार करिए और यहाँ पे कौन से अहमदाबाद में स्थित है यह बताइए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, दोनों है, पहला दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 55 का आपको बी टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न्याय परिषद है, राष्ट्रीय खाद्य कृषि संगठन नहीं है, और आर्थिक समाज, आर्थिक एवं जो सामाजिक परिषद है यह भी है, ध्यान रखिएगा, भारत सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, एशिया प्रशांत आर्थिक जो सहयोग संगठन है इसका सदस्य भारत अभी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए 58 पर, कह रहा है कि ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता का नाम बस बता दे क्या है। 58 में आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित पुस्तक है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सही जवाब। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत ने सबसे पहले ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष में लिया था? यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था वहीं पर भारत ने सबसे पहले भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ज्ञानपीठ। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? डी राइट आंसर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को माना जाता है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक के नाम से। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16% है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स में। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, ऑप्शन नंबर सी, अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस में योगदान नहीं करता है? ओजोन करता है, मीथेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं करता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ए विल बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कह रहे हैं किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? गरुड़ स्तंभ अभिलेख, ए राइट आंसर है।
रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी बौद्धयान को। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी हो जाएगा सही जवाब। शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 64.1 का था। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का है? किस प्रकृति का मतलब था, क्या आपने इसका नाम सुना है हुआ हुआ आंदोलन? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी धार्मिक सही जवाब है। यह आंदोलन जो है ना वियतनाम में वर्ष 1939 में हुआ था। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता सी राइट आंसर है। कैक निम्न में से किसने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू कर दिया था? 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लेनिन हो जाएगा। ठीक है, आगे नंबर 77 पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ए राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। मोनालोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ए राइट आंसर हवाई द्वीप का। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत का नाम क्या है? ए राइट आंसर पेरी नीज सही जवाब है। खुले नद मुखों के संधान से संबंधित तट है, नंबर 80 का हो जाएगा। ए रिया आपको ठीक करना होगा, रिया तट होता है वह। बताइए कि सामाजिक विकास की तीन अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो कामटे साहब किए थे, कहाँ गए? ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे देखिए अगस्त कामटे हो जाएगा। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे फिर से आपको अगस्टस कामटे। निम्न वर्ग यानी कि संस्कृति बताइए किसका उदाहरण है? उप संस्कृति का उदाहरण है। अब यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स है, देखिए 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? ऑप्शन नंबर सी अजीत पवार ने 2 जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी एपी शाही को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? ए राइट आंसर आइसलैंड को। अविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट का कारण किस देश के किसने आपातकाल की घोषणा किया है? नाम है अविनाश ज्वालामुखी। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी पेरू। भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा, यहाँ पर देख लीजिए तंजानिया। AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए लालियान चुआ क्या है लालियान ज्वाला चांगते किसे किया गया है? लालियान ज्वाला चांगते। ठीक है, बताइए नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव ने। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? भारत की अध्यक्षता में। डी राइट आंसर है। 17 से लेकर के 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर गांधीनगर में। जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उदाहरण में दिया है? सी राइट आंसर वियतनाम हो जाएगा। बताइए किस एजेंसी के द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया था? ए राइट आंसर हो जाएगा NIA के द्वारा चालू किया गया था। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? 95 का ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में है। बताइए कि जगन्नानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जाता है? 96 का ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना होगा आंध्र प्रदेश में।
3D प्रिंटेड सुपर अलायंस एलॉय RGX-810 किस देश ने विकसित किया है? अमेरिका ने किया है। किस भारतीय राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना ने किया है। मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बरुंडी में किया गया है। MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M-100 यानी कि 100% मेथनॉल के बारे में करें, इसका प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? बताइए क्या होगा राइट आंसर, ए हो जाएगा। कहाँ? बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। आ जाइए नंबर थर्ड पर चलते हैं, प्रैक्टिस शीट नंबर थर्ड बिहार दरोगा के लिए, देखते हैं प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का। माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? हिरण है, गेंडा है, हाथी है, शेर नहीं है। निम्न राजाओं पर विचार करिए और बुद्ध के समकालीन कौन से थे यह बता दीजिए। अजात शत्रु था, बिंदुसार था, प्रसेनजीत नहीं था। पहला दूसरा सही जवाब होगा। ऑप्शन अगर देखें तो पहला अजात शत्रु और प्रसेनजीत था, तो पहला और तीसरा होगा, ठीक है। अजात शत्रु और प्रसेनजीत सही जवाब हो जाएगा, बुद्ध के समकालीन ये रहे थे। चलिए यहाँ पे ग्रंथकार और मूल ग्रंथ है, इसे मैच करना है, मैच करिए। ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को आप रोक लिया करेंगे, आपको पहले ही कहा गया था। तो वराहमिहिर ने वृहद संहिता, विशाख रत्न ने देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक के द्वारा मृक्षकटिकम और विल्हन के द्वारा प्रबंध चिंतामणि लिखा गया है। मूल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य, मुगल सत्य मतलब चित्रकला मूल नहीं मुगल, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर दृश्य युद्ध दृश्य कह सकते हैं, दरबारी चित्रण कह सकते हैं, पशु पक्षी और प्राकृतिक कह सकते हैं, डी टिक कर सकते हैं। नंबर 5 का डी कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो वह तो था राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 7, सूची को मैच करिए। देखिए क्लाइव जो है ना बंगाल में दोहरा शासन लगाए, विलियम बेंटिक के द्वारा जो है ना अंग्रेजी शिक्षा, मेटकॉफ के द्वारा पूछे ना प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया गया था और कर्जन ने कर दिया था बंगाल विभाजन। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की घोषणा हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। साइमन कमीशन के आने के विरोध में भारतीय जन आंदोलन का स्टार्ट जो होना था वो क्यों हुआ था? क्योंकि ना साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य था ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? ऑप्शन नंबर सी, इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था, नंबर 12 है। वर्ष 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत में पश्चात भाषा शिक्षा कला विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना सही जवाब है। सही युग में यहाँ पर आप चुनिए, यहाँ पे खुजराहो चंदेल क्या करेंगे, टिक कर देंगे ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए? तो खगोलीय पृथ्वी से जो मतलब सूर्य से पृथ्वी की जो मध्य दूरी है ना इसको क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं ना, सी टिक करेंगे। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर क्या है? 15 डिग्री है। स्थानीय समय में यह कितने का अंतर हो जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 1 घंटे का होता है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है
तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी, लवणता और गहराई दोनों बढ़ जाती है। कौन सा भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत है? कहाँ का पूछा है? भारत की सर्वोच्च शिखर पर्वत केटू राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कैलाक नहीं है? देखिए, लोकटक झील है मणिपुर में, लोनार है महाराष्ट्र में, शाम्भर है राजस्थान में, हुसैन सागर है कर्नाटक में। गलत है। कहाँ पर है? 19 का क्या होगा राइट आंसर? हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो नंबर 20 का हो जाएगा ए राइट आंसर, एल्युमिनियम उद्योग के कारण होता है। सही जवाब है नंबर 20 का हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर। राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? राजा जी ऑप्शन ए जंगली हाथी के लिए है। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है, तापीय शक्ति संयंत्र के द्वारा आपको ठीक करना होगा। नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आप आराम से बी को टिक करिए। वियना 1982 में नहीं आया था, ध्यान रखेंगे। यह हुआ था 1985 में। बाद बाकी जो भी ऑप्शन आप देख रहे हो बिल्कुल सही है। इसे आप क्या करिए, याद कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु के तट पर यह है, ध्यान रख लेंगे। नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है? ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर से होकर के यह खींची जाती है। ठीक है, चलिए बताइए। निम्नलिखित स्थल या स्मारक पर विचार करके कौन सा स्थल या स्मारक सही सुमेलित है? चलिए, आपको टाइम दिया जा रहा है, सोच के जरा सा बताइए तो क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी ठीक करेंगे ना। पढ़ लीजिए थोड़ा सा, क्यों, खुद से मेहनत थोड़ा सा कर लीजिए। चलिए आइए, अब आगे चलते हैं। नंबर 29 कह रहा है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? किसका है बताइए तो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1935 का, यहीं से काफ़ी कुछ लिया भी गया है। चलिए नंबर 30 को रहने दीजिए, अभी काफ़ी लंबा चौड़ा है। 31 देखिए, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे तथा उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, इस रीट को आप क्या कहते हो? काफ़ी बार बताया जा चुका है इसके बारे में, आपको बताइए। इसे ना मैंडेमस आप कहते हो। ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम, प्रखंड, फिर जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रि संरचना यहाँ पर है। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ओ में दिया गया है। राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ होता है? सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोत पर अनुस्रोत से अगर उधार ले लिया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? ए राइट आंसर हो जाएगा, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। मुख्यालय संगठन को मैच करिए और बताइए कौन सा सही मैच नहीं है। श्रम जिनेवा में, समुद्री संगठन लंदन में है, मुद्रा कोष वाशिंगटन में है, परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क में है। क्या कहाँ है फिर? यहाँ पर है। ठीक, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है? ऑप्शन डी राइट आंसर, भुगतान संतुलन से। जब
धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं, बताइए। नंबर 40 का राइट आंसर टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परिवर्तन सभी की वजह से होता है। शुष्क सेल यानी कि बैटरी में करेक्ट निम्नलिखित में से किन का विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। पहचान ये कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हैं, चांदी के कप का बदरंग होना हो जाएगा, जल का विद्युत अपघटन हो सकता है, पहला तीसरा 42 का आपको सी टिक करना पड़ेगा। कह रहे कि 2, 4 और 8 ओम परिणामों वाले तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इन निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम से कम होगा, ए सही जवाब, बताइए सही कथन। वातानुकूलन में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रव नेत्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, तीसरा वाला बस सही है। कठोर जल के गुणधर्म के विषय में कौन सा कथन है जो सही है, बताइए। जल में अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, ठीक है सही है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है, सही है। तीसरा चौथा गलत, यहाँ पे आप टिक करके, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है इसी को आपको चूज करना है। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर डी कहलाती है। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील क्या है, ए राइट आंसर फ्लोरीन, स्पर्श लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं, बताइए कैसे बनता है, ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा, ल्यूसाइट से बनता है। चलिए 51 को देखिए, 50 को छोड़ के, कह रहे हैं कि सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए होता है बताएं, तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए होता है। जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिक के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जाती है, वे समस्थानिक कौन से होते हैं, ऑप्शन नंबर आप यहां पे टिक कर देंगे, ऑप्शन सी C12 C14 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बताइए यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध कह रहा है कि खट्टा हो जाता है, ठीक है, बताइए यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैक्टिक अम्ल की वजह से, अनाज और तिलहन के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आवेशों का उत्पादन होता है जिन्हें अल्पाटॉक्सिन के नाम से जानते हैं, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, बताइए अल्फाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फफूंदी से आता है यह, बताइए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है, विटामिन सी हो जाएगा। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है यह होती है, ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन आपको टिक करना होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं, 48 का हो जाएगा ए राइट आंसर, वायु श्वसन कहते हैं। 59 बताइए, देखिए अस्त्र के लिए ना आपको 10 से 25 किलोमीटर तक आप कह सकते हो, धनुष का जो क्षमता एक तरह से है वह है 150 किलोमीटर तक, त्रिशूल का आप 9 किलोमीटर कह सकते हो और आकाश के लिए आपको 25 किलोमीटर बता देना होता है। 59 का अगर आप ऑप्शन जानना चाहें तो सी में बिल्कुल सही दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है महेंद्रगिरी यानी कि तमिलनाडु में, साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन नंबर साफ्टा कह रहे हैं ना,
पूरा नाम होता है साउथ एशियन प्री फ्रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, साउथ एशियन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, साउथ एशिया एशिया करके लिखा है, गलत हो जाएगा, डी नंबर ठीक करिएगा। मैपल लीफ का देश कौन सा है? ऑप्शन सी कनाडा को कहते हैं। कह रहे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था? बांग्लादेश का है। इनमें से कौन सा एक युग में सुमेलित? कह रहे हैं कि नहीं है। मैकमोहन भारत चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरंड है पाकिस्तान अफगानिस्तान, और ये 8 डिग्री अंडमान और मालदीव के बीच में है ही नहीं। 8 डिग्री चैनल अंडमान और मालदीव के बीच ना हो करके मालदीव और मिनी क्वाय के बीच में है ना। यह सही जवाब हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? ऑप्शन बी ईरान में। कथन पर विचार करिए, सही बताइए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है? ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है? बिल्कुल है, सी को ठीक करिए। मैच करिए कौन सा गलत है। देखिए जनसंख्या, विश्व जनसंख्या 11 जुलाई, विश्व वानिकी 21 मार्च, पर्यावरण विश्व वाला जो है 5 जून, विश्व तंबाकू निषेध 22 मार्च। क्या यह सही है? गलत है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में है? पटाना है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है कहाँ से? समझ गए होंगे, ब्रॉड शिक्षा से। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद कह रहा है किसका नंबर आता है? काफ़ी अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर बी आपको ठीक करना होगा, बांग्ला का। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है? यह हो जाएगा अंडमान और निकोबार में रहती है। क्या ठीक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी ना सही जवाब है। चलिए बताइए, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है? आवेदन समर्पित होने के कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? ऑप्शन ए 7 दिनों बाद। भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है, किया जा रहा है कहिए? डी आपको टिक करना होगा, असम हो जाएगा। निम्न में से किस संगठन से मैजनी का संबंध था? 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोनरी का। निम्न में से किसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बिस्मार्क। निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? एम के गांधी को नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक। नायपॉल को मिल चुका है, एस चंद्रशेखर को मिल चुका है, टैगोर साहब को मिल चुका है। नेटवेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? नेटवेस्ट। ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना होगा, क्रिकेट से। बनाना किक किस खेल से संबंधित है? बनाना किक के लिए आपको 79 का ऑप्शन नंबर बी टिक करना होगा, फुटबॉल से। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपको डी, सांप्रदायिक कहेंगे आप। सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी समूह में व्यक्ति। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र प्रारंभ किया था? बताइए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय था? बम्बई सही जवाब हो जाएगा। मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया? WMO के द्वारा किया गया है, ध्यान रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक? ऑप्शन बी 42वां सही जवाब है। फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया है? गुजरात में। कौन सा वैश्विक
यानी कौन सा राज्य जो वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? केरल। कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैथकॉन है? ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल्य भारत कहां पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास कहां पर आयोजित हुई है? बंगाल की खाड़ी में। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री, नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन डी, 26 जून 2023 को। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन सा बना है? एस्टोनिया। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी का नाम? क्रिस्टियानो रोनाल्डो सही जवाब है। बताइए कि सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष या फिर महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब बताइए इसमें से किसने जीता है? दोनों हुआ था उसमें बताइए, ए हो जाएगा हरियाणा, आपको टिक करना पड़ेगा। आयोजन कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में। तो बताइए कि किसके द्वारा झूले लद्दाख यानी कि हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया है? झूले झूले बोलते हैं लद्दाख में, उसे आप हेलो लद्दाख का नाम देकर के बताइए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समयावधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बताइए कि जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन, नाम है रमन वन का सफल परीक्षण किया है? विक्रम वन ने। जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 कौन सा देश जीता? भारत। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य के द्वारा? ऑप्शन नंबर आपको टिक करना होगा डी, हरियाणा ने किया है। बताइए किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत ने। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सलमान रुश्दी यहाँ पर सही जवाब है। अब चलते हैं टेस्ट नंबर 4 की ओर। जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। लाइक वगैरह करने के लिए कहा नहीं जाता है ना। आइए चलते हैं सेट नंबर 4 की ओर। देखिए अच्छे से लगाइए सेट को, करेंट अफेयर्स वगैरह देखना हो उसका भी क्लास है, बस आपको प्लेलिस्ट आकर चेक कर लेना है। चलिए चलते हैं सेट नंबर 4 की ओर। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? इस तरह का सवाल तो बिहार दरोगा में पूछा ही जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको। देखिए यहाँ पे नंबर जो सेकेंड है ना, सिडनी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक काफ़ी फेमस शहर है। ठीक है, कैनबरा याद करिए क्या है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, और जो रियाद है ये सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नंबर सेकेंड, निम्नांकित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आराम से आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ बिहार चले जाएंगे। ठीक है, नंबर थर्ड है, कह रहा है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध कहाँ से है? यहाँ पे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। कह रहा है कि एक लड़का सड़क पर जा रहा था तब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई, उसे कह रहा है अपने आप को बिजली से कितना कुछ दिया। सीधा सीधा बताइए, बिजली गिरने से बचाने के लिए आप अपने आप को क्या करेंगे? ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो नंबर डी हो जाएगा, धरती पर नीचे उकड़ू बैठना चाहिए, बस यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पेड़ वेड़ के नीचे खड़ा नहीं रहना है, चलते भी नहीं रहना है, जलाशय में तो उतरेंगे, समझ ही नहीं क्या होगा फिर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। नंबर सिक्स है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, किसने किया था सत्यार्थ प्रकाश? ऑप्शन नंबर आप यहां पर डी के साथ जाएंगे,
स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कह रहा है कि बताइए कब हुआ था। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी के साथ जाएंगे, वर्ष 1911 में फिर एक कर दिया गया था। नंबर 8 बताइए, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिल गई थी, वो ना चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। कैग नहीं कैगा बताइए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मैंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, यह ध्यान रखना है। कहेगा आपने जरूर नाम ध्यान होगा ना, याद है ना आपको। चलिए नेक्स्ट है, अगर पूछेगा कब इस शुरुआत किया गया था तो वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। बताया कि निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, शिमांग। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील में। कौन सा देश द्विदलीय पद्धति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। आप यहां पर टिक करेंगे। एक सेल का ईएमएफ क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी अदिश राशि हो जाएगा। नंबर करेक्ट, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड का समय लेता है। जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात करिए। स्मॉल जी का वैल्यू दिया जा चुका है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के बारे में बताना है, नंबर फर्स्ट का हो जाएगा सी राइट आंसर। क्षार धातुएं यहाँ पे आपको अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कुछ कुछ बात। जैसे आयोडीन का प्रतीक चिन्ह अगर पूछेगा, यह आपको पता है आई है, आयोडीन का प्रतीक चिन्ह, यह आप समझ गए होंगे, है ना, बोलने में थोड़ी मिस्टेक हुआ था। साथ ही साथ अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा, आयोडीन जो है ना ये हैलोजन समूह का तत्व होता है। यह एक ठोस अधातु होता है, इसमें धातु चमक होती है। आयोडीन जो है ना बैंगनी रंग का ठोस होता है, ध्यान रखेंगे ठीक। चलिए, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर भी हो जाएगा, कैबिनेट के द्वारा। बताएं कि ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है। ए राइट आंसर, स्मॉग की। मानव कर्ण यानी कि कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्णा वर्त। निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर आपको ठीक करना होगा, संघ में द्वैत शासन, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नंबर 20 को बताना है, मैच करके क्या सही जवाब आपको दिख रहा है। संचालन समिति के लिए चले जाइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। प्रांतीय समिति के लिए चले जाइए यहाँ पे पटेल साहब के पास। संविधान जो संघीय संविधान समिति है इसके लिए आपको जाना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के पास। और मूल अधिकार उप समिति के लिए कृपलानी साहब को टिक करना होगा, याद कर लेंगे इसे आप। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की। ऑप्शन नंबर डी कनाडा ने। निम्नलिखित में से किस किस राष्ट्रमंड संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है, नहीं है पर ध्यान दे दीजिएगा। नए राज्य का निर्माण है, नए राज्य का प्रवेश है, राज्यों के नाम परिवर्तन है, राज्यों के आपसी विवाद 3 में संबंधित 3 से नहीं है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य का नाम। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है बताइए वह कौन सा जनजाति है। ऑप्शन नंबर आप यहां पर बी टिक करिएगा, कौन सा है, मुंडा सही जवाब है। 26 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे आपको टिक करना होगा कटक, कटक के लिए टिक करना होगा, कटक महानदी ठीक है। लुधियाना जो है यह आपका सतलज हो जाएगा। नासिक जो है वह आपका गोदावरी हो जाएगा और उज्जैन हो जाएगा सिप्रा। इस तरह से सही जवाब हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजना और नदी को मैच करिए 27 का। इडुक्की परियोजना है कहाँ पर, पेरियार आपको बताना होगा। माता टीला हो जाएगा बेतवा। नागार्जुन सागर हो जाएगा कृष्णा। पोचमपाल हो जाएगा गोदावरी। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़े समूह को क्या कहते हैं आप, क्षुद्र ग्रह। निम्न में से किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन
नहीं होगा। यहाँ पे तांबा और तनु हाइड्रोलिक अम्ल में नहीं होगा, सल्फर और पाउडर, सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोलिक अम्ल में नहीं होगा, दूसरा तीसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लोलक की कालावधि काफ़ी इजी क्वेश्चन, लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। निम्न में से किस में अस्थाई चुंबक की तरह चुंबकीय गुण कैरेक्ट नहीं है, चुंबक पत्थर में नहीं होता है, एक समतल दर्पण की शक्ति क्या होती है, ऑप्शन ए शून्य हो जाएगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है क्या कहलाता है, समस्थानिक। पैडोलॉजी निम्न में से किस का अध्ययन से संबंधित है, मिट्टी के। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, कोसी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन और रासायनिक नाम को 36 में मैच करिए, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। क्यों, क्योंकि देखिए ए का 4 यानी कि विटामिन B1 के लिए आपको थायमिन जाना पड़ेगा, बी का 3 यानी कि विटामिन B2 के लिए आपको राइबोफ्लोमिन बताना पड़ेगा, सी का हो जाएगा 5 यानी कि विटामिन जो 6 है इसके लिए आपको पायरोडॉक्सिन बताना है, और डी का 1 यानी कि विटामिन जो 12 है इसके लिए साइनोकोबालिन वा लामाइन बताना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड कह रहा है कि उदासीन है, नंबर 37 का ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, CaO सही जवाब हो जाएगा। COA का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको आप क्विक लाइम के नाम से जानते हो। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, बताइए क्यों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्व नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो जाएगा। वायु में प्रतिरोध को नगण्य मान लेने पर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेगी। जल का अधिकतम घनत्व होता है, नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 277 केल्विन पर। सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह आपका बजटीय घाटा। राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, केंद्रीय करों में भाग सही जवाब है। आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 2005 में। असत्य यानी कि गलत कौन सा मैच किया हुआ है, बताइए मुरारजी देसाई कराधान गलत है, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से, राज समिति कृषि जो उत्पर कर से है, और स्वामीनाथन जो है यह हरित क्रांति से संबंधित है, सही है। यहाँ पर भी सही कथन क्या नहीं है आपको बताना है, ज़्यादा टाइम चाहिए तब क्लास को रोक लीजिए। यह भंग नहीं किया जा सकता है, सही जवाब है राज्यसभा के बारे में 5 साल का होता है, जी नहीं 6 साल का होता है, गलत कथन मिल गया। प्रत्येक 2 साल के बाद इसका 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और सदस्य की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही है, 46 का ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दें, कह रहे हैं क्या उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, चुनाव की वैधता का निपटारा करना कहाँ पर करना होता है, सुप्रीम कोर्ट में या करना होता है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व कैरेक्ट नहीं लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं ली गई है, पत्तों में लाल नारंगी और पीले रंग इसके कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी कैरोटिनाइड की वजह से होता है, आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोंक। कह रहे कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंड को H और 4H ऊंचाई पर रखा जाता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा जो है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका अनुपात क्या होगा, तो उसका हो जाएगा 1:4, सही जवाब। ध्वनि तरंग ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर, क्या होता है ना, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। आ जाइए 55 पर, बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद के लिए आपको बताना है कि औषधियों से संबंधित है, या ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, यजुर्वेद में बलिदान विधि है, सामवेद में संगीत है, आंसर यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है, 56 का ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस
पेपर नाम के देवता से संबंधित है। यह संगम साहित्य में तोलक्कापियम एक ग्रंथ है। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे, तमिल व्याकरण से है। मलिक काफूर बताइए कौन था। मलिक काफूर ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति था मलिक काफूर। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी टिक करना होगा, शाहजहां ने। निम्नलिखित चार बाहरी आक्रमणों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके सही उत्तर को चूज कर लीजिएगा। तो देखिए, तैमूर है ना, 1398 में आया था, आपको यह ध्यान ही होगा। नादिर शाह के बारे में आप 1739 याद रखिएगा। चंगेज खां की बात करें तो 1221 से 27 के बीच, इसके लिए आप टाइम पीरियड को याद रख लीजिएगा, ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली पूछेगा तो 1748 में आक्रमण किया था। यहाँ पे आपने देख लिया चारों, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कर लीजिएगा, आगे पीछे करके कुछ भी पूछे बता दीजिएगा। कौन इसमें से एक सुमेरित नहीं है बताइए। प्रार्थना आत्माराम सही है। आत्मीय देवेंद्रनाथ टैगोर गलत है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन सही है। राधा स्वामी सत्संग जो है ये आपका तुलसीराम के द्वारा किया गया, सही है। आत्मीय सभा की स्थापना वर्ष 1815 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। निम्न में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से भी आप जानते हो? भारत का पहला अंटार्कटिक शोध केंद्र को जानते हैं दक्षिणी गंगोत्री के नाम से, सी राइट आंसर। पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का यूज करते हैं। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण बता दीजिए। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से आता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। व्यापारिक पवने कहाँ पर चलती है? ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। निम्न में से कौन सी भूमध्य जलवायु की विशेषता है? का ऑप्शन नंबर हो जाएगा शीत ऋतु में वर्षा। वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 75 विधान परिषद तथा 40 लोकसभा है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा, पुर्तगाली का, ठीक है। निम्न में से किसने सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर सी बर्नार्ड बारूच ने किया था। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य निम्न में से कौन सी है? सवाल को समझ लीजिएगा, करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ऑप्शन नंबर सी, तब सही जवाब आपको टिक कर देना होगा, नेता अंबानी है। 4 अगस्त 2016 को चुना गया था इनको। कौन सा युग में यहाँ पर करेक्ट सत्य है? सलमान रुश्दी के द्वारा फ्यूरी, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना को शुरू किया गया था? यहाँ पे आप टिक करिएगा, ए राइट आंसर, वर्ष 1994 में। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ था? टिक करेंगे नंबर सी 2010 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, जैव सुरक्षा समझौता से। निम्न में से किन्हें फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? सत्येंद्रनाथ बोस को। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा? श्रम विभाजन का अस्तित्व यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, बी राइट आंसर है। दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? सामान्य, ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति की का सिद्धांत धर्म को माना है? ए मैक्स वेबर ने। क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौराष्ट्र ने। फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो वह राज्य है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ पर सम्पन्न हुआ है? ए राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका में। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? डी राइट आंसर, 2040 तक।
विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हरमनप्रीत कौर, बता दीजिएगा। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देशों ने अपने सर्वोच्च शिखर सम्मान से सम्मानित किया है? पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने किया है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राज सुब्रमण्यम को वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा का नाम क्या है? ऑप्शन सी अमिताभ कांत है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा, ब्रेंडन फ्रेजर को मिला। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, ए राइट आंसर है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राजकुमार राव ने। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर ए नारायणन वाघोल। मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी सौरभ गांगुली। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बी राइट आंसर अजय यादव को। 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा के जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? सी राइट आंसर अजय लांबा हो जाएगा। बताएं कि बिग बॉस रियलिटी शो 2023 का विजेता जो कि 14 अगस्त 2023 को बना, कौन बना है? 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्विस यादव। आपको समझ में आ गया होगा कितना लेटेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है इस वाले सेट में। अहमदाबाद के अहमदनगर जिले का नाम बदल कर कह रहे क्या रख दिया गया है? 100 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अहल्याबाई होलकर नगर सही जवाब है। आइए अब चलते हैं बिहार दरोगा के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के टेस्ट से नंबर 5 की ओर। और यह वाला सीट ध्यान से लगाइएगा, देखिएगा आप लोग अभी क्लास को देखिए, बाद में जो है ना मास्टर वीडियो के रूप में इसी क्लास को फिर से बना दिया जाएगा, रिवाइज करना होगा, लास्ट में भी आप लोग कर पाएंगे एग्जाम से थोड़ा सा पहले। चलिए नंबर 1 का राइट आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्याशित है? सी राइट आंसर हो जाएगा स्टील। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा हरा। सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण के लिए उसे कैसा स्पष्ट नहीं दिखाई देता है? चलिए रीजन बताइए आप, क्या रीजन है उसका आपको बताना होगा, ऑप्शन नंबर डी आयरिस पुतली का तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है, पायस एक कोलाइड होता है, ऑप्शन नंबर बी द्रव में द्रव का होता है। भारत के सबसे लंबे सुरंग नाम है अटल टनल कहाँ पर है? ऑप्शन डी हिमाचल में है। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? बी लक्षद्वीप। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन बी हेपरिन। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद जो है यह किसने बनाया था? एट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजकृष्णा ने। मीठे स्वाद की अनुभूति के जिह्या पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं? ए अग्रभाग पर। जिम कार्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्यजीव प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा बाघ की। विश्व बैंक का एक और नाम है क्या? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन अधिकार है? 3 तरह का होता है, डी राइट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे उतार कर फेंक दिया गया था? डी राइट आंसर हो जाएगा पीटर्स मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम? ऑप्शन डी एनी बेसेंट। दूसरा क्या है? सरोजनी नायडू। तीसरा क्या है? एनी सरोजनी। और तीसरा का नाम है नलिनी, तीसरा भी याद रख लीजिएगा, महिला के बारे में बताया जा रहा है। संसार में मायका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? डी राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कह रहे भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो
नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन आप यहाँ पे भी टिक कर दीजिएगा, मीरा साहिब फातिमा बीवी, ठीक है, फातिमा बीवी याद रखिएगा, भारत की उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। सबसे पुराना वेद का नाम क्या है, ऑप्शन ए ऋग्वेद हो जाएगा सही जवाब। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है, ऑप्शन नंबर बी मार्क्स का है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर ऑप्शन नंबर सी को कहा जाता है, कालिदास को। निम्नलिखित में से किस शासक ने पांच दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है, इस्लाम शाह शोर को, ए राइट आंसर है। हाइकिंग ट्रैप शब्द किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी पाल नौकायन से संबंधित है। सिकंदर हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से इस एक का शासन चल रहा था, नंद वंश का, बी राइट आंसर है। अपनी मदुरे विजय कीर्ति में अपने पति वुक्का के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवित्री का नाम बता दीजिए, तो डी राइट आंसर गंगा देवी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, ए महाकश्यप, राइट आंसर है। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ पर स्थित था बताइए, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बंगाल में। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था, सी राइट आंसर भोला भाई देसाई, सही जवाब हो जाएगा। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना होगा, सिनेमा के क्षेत्र में। भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, अगर आपने पहले ज्ञान बिंदु वाला प्रैक्टिस सीट देखा होगा, सारे राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको बताया जा चुका है, अच्छे से डिस्कशन के साथ, ट्रिक के साथ। ये राइट आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है बता दीजिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई को। इग्नू जो है ना, नाम आपने सुना है ना इग्नू, इसका मुख्यालय बताइए कहाँ है, समझ गए होंगे काफ़ी ईजी है, बी राइट आंसर नई दिल्ली में है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में है। साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं, 35 का हो जाएगा ए राइट आंसर, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, 36 का ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना होगा, स्पुतनिक 1। देखिए अगर किसी को क्लास काफ़ी तेज लग रहा है, आप लोग 0.75 के स्पीड पर क्लास को देख सकते हैं, और अगर किसी को क्लास लग रहा होगा कि काफ़ी स्लो है तो 1.25 पे करके आप देख लीजिए, ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए, जैसा चाहे वैसा क्लास अपने हिसाब से आप कर सकते हैं अपने फ़ोन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल 38 को पहले समझिए, कह रहा है कि भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था, तो सी सही जवाब हो जाएगा, पोखरण में आप जानते ही हैं। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों प्रमुख यानी कि मुख्य नकदी फसल है, सी राइट आंसर कर्नाटक में है। किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमों सेट बनते हैं, टेनिस में। विषैले सर्पों में विष ग्रंथि प्रवर्तित होती है, लार ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 85 हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु के। महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहां पर शुरू किया था, नटाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है, जायदाद, ए राइट आंसर हो जाएगा, जायदाद का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं होता है। पदार्थों के गुणधर्मों और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी को पढ़िए और सही जोड़े का सेट बनाइए कह रहा है। देखिए इसे आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा, आघात वर्ग के लिए अगर पूछेगा ना
तो भोज सामग्री को लपेटने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। उच्च गलनांक की बात करेंगे तो संधारित्रों के तापन तंतु में किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4-5 में है। ऊष्मा और प्रकाश का अगर सुचालक पूछेगा सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में आप यहाँ पर बता दीजिएगा। प्रबल धातु के बारे में पूछेगा तो सेतु निर्माण के लिए आप यहाँ पे बता दीजिएगा। और उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक थर्मामीटर के निर्माण में होता है, इसे आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो सी हो जाएगा सही जवाब। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा, 33 सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा, शुक्र। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात, सवाल यहाँ से आना फिक्स है, ए राइट आंसर है, 918 बता दीजिएगा 1000 पर। किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है सही है, दोनों कथन गलत है, इसे भूल जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह बताइए, कौन सा ब्लड देंगे जिसका कि ब्लड ग्रुप अगर पहले से ए है, ऑप्शन नंबर बी या तो ए या तो आप ओ दे सकते हो। पोटोमीटर नापता है क्या, तो हो जाएगा सही जवाब बी, वातस्फूर्त सर्जन को मापता है। डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है, नंबर 55 का ऑप्शन नंबर करेंगे सी, एस प्रावस्था में होती है। स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं वे कौन से हैं, ऑप्शन नंबर आपको डी करना होगा, स्तन ग्रंथियों एवं दांत। स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है, ऑप्शन नंबर डी यूरिया। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है, 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमीबा प्रोटियस। गुण सूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है अमीबा में, हमारे शरीर में पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व तो उपस्थित रहता है हड्डियों एवं दांतों में, ऑप्शन नंबर बी। वसा संचित होती है, ए राइट आंसर एडिपोज में, बताइए 21-23/21-23 किसका डेंटल सूत्र होता है, आदमी का, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रख लेना है। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी उच्च पादप कोशिका में पाए जाते हैं। एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागकण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी गैटिनोगैमी कहलाता है। वेल, सार, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं, निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वेल और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा श्वसन लेते हैं, सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन बताइए कहाँ पर हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फैजपुर में हुआ था। हीरे का चतुष्फलकीय संरचना क्यों है, ऑप्शन नंबर डी sp³ संरचना के वजह से होता है, NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत बताएं, ऑप्शन नंबर डी 40 हो जाएगा। सन 1940 में कांग्रेस का स्वाभिनय वाक्य आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीने तक गायब से हो गए थे, वह है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बरही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बरही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था, समझ गए होंगे, उदयन सही जवाब है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जोड़ती है, वह राज्य है आपका ऑप्शन नंबर बी नेपाल। रॉबर्ट ओवेन निम्न में से किस देश का निवासी था, 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको टिक करना होगा डी, ग्रेट ब्रिटेन का था। निम्न में से प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन ने दिया था। श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी टिक करना होगा, किसके किनारे है, झेलम के तट पर है। निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है, ये आपका प्यूर्टो रिको हो जाएगा, अमेरिका के अधीन है। निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत है और निर्विकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है,
ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर टिक करना होगा, सत्याग्रह में कहा गया। समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है? ऑप्शन नंबर सी निश्चित मूल्य कहेंगे इसे। इन सब में से क्या टिक करेंगे तो समझ लीजिए, यहाँ पे विकास को टिक करना है, भरना है। विकास परिवर्तन है, परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश के आधिकारिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है? 79 का ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर करना होगा डी, लखनऊ में है। चलिए 79 के बाद 80 पर आइए। बताइए दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह श्रृंखला है। ऑप्शन सी इनसेट राइट आंसर है। द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन MHO निम्न में से किसे संचालित करती है? ऑप्शन नंबर सी तैराकी को। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी टिक करना होगा, डोना पौला में आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गोवा, याद रखिए गोवा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र ने। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर गाजियाबाद सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक नाम है रिंग साइड का विमोचन किसने किया है? 85 का डी राइट आंसर डॉक्टर शशि थरूर ने किया है। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सेलेस्ते साउलो सही जवाब है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक करना होगा, जनार्दन प्रसाद को। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर संपन्न हुआ है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जापान में। फुटबॉल टूर्नामेंट नाम है संतोष ट्रॉफी 2023 वाला जो खिताब है वह किसने जीता है? ए राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने जीता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी टिक करना होगा, किस स्थान पर? भारत 161वें स्थान पर है। 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 75, आपको सही टिक करना होगा। सबसे ज़्यादा पूछेगा कहाँ पर है तो तमिलनाडु में, बताइएगा कितना है तो 14 आप बता सकते हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी SS दुबे साहब बने हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट का नाम? ऑप्शन सी चार्ल्स तृतीय 93 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा नाम है क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जयदीप मुखर्जिया ने किया है। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना होगा, द्रौपदी मुर्मू ने किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टेचू ऑफ नॉलेज नाम दिया गया है, अनावरण कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर लातूर यानी कि महाराष्ट्र में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 यानी कि 2.0 योजना जो है इसके तहत किन दो स्थानों के विकास के लिए चुना है? ऑप्शन ए गया और नालंदा को चुना है बिहार का, ये ध्यान रख लीजिएगा। ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर टिक करेंगे, भारत के द्वारा किया जाएगा। नवंबर दिसंबर में यह टेस्ट या जो मैच है यह होने वाला है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? RRR यानी कि जीता है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा सेट नंबर 5, अब आगे है सेट नंबर 6। इसका क्लास आपको यहाँ पे समझ लीजिए एक तरह से थंबनेल शो कर ही रहा है, 6 के आगे का क्लास यहाँ पर आप टच करके देख सकते हैं। क्लास पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बिहार दरोगा का आपको अगर क्लास देखना हो, स्पेशल क्लास देखना हो या फिर प्रैक्टिस सेट देखना हो, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर आइए चेक करिए।